हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और घर में रहते हुए खाने पीने का मन कर रहा है और घर बैठे बैठे पिज़्ज़े के बारे में सोच के आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्यों ना एक चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा घर पे ही तैयार कर लें। आइए हम आपको सिखाते हैं। पहले एक खाली परात लें, उसमें 100 ग्राम मैदा डाल लें, 1 चम्मच चीनी का, 1/2 चम्मच नमक का और 3/4 बेकिंग पाउडर का और 1/4 बेकिंग सोडे का। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लें और इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लें। अगर ज़रूरत हो तो और थोड़ा दही डाल लें और इसको अच्छी तरह से गूंद लें और जितना हो सके इसको नरम करें। नरम करने के लिए इसको जितना हो सके मारें, कुटें और सुटें। फिर एक पिज़्ज़े के हिसाब से इसके 2 टुकड़े कर लें, एक बड़ा तो एक छोटा। बड़ा है वो हमारे पिज़्ज़ा का बेस हो जाएगा, जब छोटा है वो पिज़्ज़ा के टॉप के लिए। उसके बाद एक तवा गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल लें। जो छोटा वाला हिस्सा है जिससे टॉप बनाना है उसको अच्छी तरह से बेल लें। जब आप बेल लें उसके बाद तवे के ऊपर जो मैदा डाला है उसको साफ़ करें। फिर उसके बाद जो रोटी बनाई है आपने मैदे की उसको डाल लें और 5 सेकंड के लिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और ज़्यादा नहीं सेकना। उसके बाद अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ओवन कैसे बनाना है, एक खाली कढ़ाई लें। इस कढ़ाई में डालने के लिए आपको चाहिए होगा रेता, देखें कहीं इधर उधर आपको मिलेगा, अगर इधर उधर ना मिले तो गुवांडियों का देख लें पड़ा हो, और थोड़ा सा रेता उसमें से चुक लें और ध्यान रखें ज़्यादा ना चुकें। लीजिए हमारी कढ़ाई तैयार है, उसमें रेता डालें, उस पर स्टैंड रख दें ताकि उस स्टैंड के ऊपर हम पिज़्ज़ा रख सकें प्लेट में डाल के। 15 मिनट के लिए गैस ऑन करके इसको ढक के रख दें। उसके बाद जो भी आपने इसमें चीज़ें डालनी हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है या ऑलिव्स हैं और कुछ भी आप डाल सकते हैं, पनीर है, तो वो काट के रख लें। उसके बाद एक खाली प्लेट लें जिस पे हम बेस रखेंगे। तो अब हम तैयार करते हैं बेस। बेस तैयार करने के लिए जो बेस को थोड़ा सा मक्की का आटा लगा के बेल लें और ध्यान रखें जो आपने टॉप बनाया है ये बेस उससे साइज़ में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक जो आपने प्लेट ली है उसको ऑयलिंग करके उस बेस को रख दें और अच्छी तरह से फॉर्क के साथ आप इसमें छेद कर दें। और छेद क्यों कर रहे हैं, ताकि ये फूले ना, पिज़्ज़ा चीज़ आता है जब वो इस पर स्प्रेड कर दें। तो उसके बाद जो टॉप वाला हिस्सा है उसको इसके ऊपर रखें और साइड से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दें। और फोल्ड करने के बाद फॉर्क से फिर इसको अच्छी तरह से छेद कर दें ताकि ये फूले ना। उसके बाद इस पर सामग्री डालें, जैसे कि टमाटो सॉस होगी, आपके पास अगर चिल्ली सॉस है वो आप इस पर डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इसको फैला दें। अब इस पर कुछ शिमला मिर्च डाल दें, थोड़ा प्याज डाल दें, थोड़े टमाटर या अगर पनीर है तो वो भी डाल दें। इसको अच्छी तरह से दबा दें और फिर मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दें। अब बारी आती है इसको बेक करने की। जो आपने अभी ओवन तैयार किया है उसको ध्यान से उसके अंदर ये प्लेट रख दें, ध्यान से, ध्यान रखें हाथ जल ना जाएं क्योंकि लॉकडाउन है, डॉक्टर के पास जाना सौखा काम नहीं है। फिर इसको ढक दें अच्छी तरह से और 15 मिनट बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा, एक बढ़िया चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। लॉकडाउन में खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ। थैंक यू।